स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 22 ए। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। तो इससे स्टार्ट करते हैं। तो ये तो सिंपल हमने एक डायग्राम बना के देखा है कि अगर आपने इस तरीके से बायसिंग करी है और तब हमारा इलेक्ट्रॉन की क्या डायरेक्शन होगी और होल की क्या डायरेक्शन होगी। अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो करंट आपका कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा और करंट की डायरेक्शन ही आपकी होल्स की डायरेक्शन होती है। तो होल्स हमेशा जो आपकी करंट फ्लो करती है उस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट। तो ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके अपोजिट हो गई। और समझते हैं, जैसे ई सी और ई वी अगर ये है, ओके, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा ऊपर जो अपर लेवल होती है उससे लो लेवल पर ट्रैवल करते हैं, ओके, हाई से लो टू हाई टू लो ट्रैवल करते हैं और होल उसके अपोजिट ट्रैवल करते हैं, वो लो टू हाई की तरफ ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमेशा दोनों की जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट ही होती है। तो अगर मान लो कि ई सी कुछ इस तरीके से है, ये ई वी इसके नीचे है, यहाँ पे बीच में ई आई होगा, तो क्यू वी नॉट ये डिफरेंस है आपका, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इलेक्ट्रॉन हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे जाएगा। मान लो इस जगह लो पोटेंशियल है और इधर हाई पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ट्रेवल करेगा, होल्स इसके अपोजिट ट्रेवल करेगा। तो हो इलेक्ट्रॉन्स मूव ईजिली, ठीक है, डाउन द हिल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। तो ये इलेक्ट्रॉन्स का होता है तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो बात इन्होंने बोली है कि डाउन द हिल, तो यहाँ पे हो यही रहा है, ये एक तरीके से क्या हिल है, ओके, और ये हिल से ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ रहा है। बट अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं उसके रेस्पेक्ट में अगर देखें तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। आप यहाँ देख के बताएं कि इलेक्ट्रॉन कौन से पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ जा रहा है, तो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। इस वजह से यहाँ पे बोला है इलेक्ट्रॉन्स मूव इजिली डाउन द हिल फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल, इसको बोलने का रीज़न ये है। और सिमिलरली फॉर अगर इलेक्ट्रॉन होल्स की बात करें, होल्स को अगर आप देखो तो होल्स ये हैं, ये पॉजिटिव पोटेंशियल है इधर, तो होल्स पॉजिटिव से नेगेटिव पोटेंशियल या फिर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। बट अगर हिल की बात करें तो होल ऊपर चढ़ाई करके जा रहा है। तो ये चीज़ है कि अपहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिफिकल्ट, तो इलेक्ट्रॉन का जो अपहिल मूवमेंट होता है तो वो होना आसान नहीं है, बट होल अपहिल मूवमेंट ही करता है। ये होल का है, होल इजली मूव अपहिल, ओके, फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो अगर इस डायग्राम से देखें तो आपका पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ आपका होल जा रहा है, तो होल पॉजिटिव से या फिर हाई से लो पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पे इनको समराइज कर देते हैं कि इलेक्ट्रॉन आपका डाउनहिल जाएगा और आपका लो पोटेंशियल से हाई की तरफ जाएगा, लो टू हाई। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें तो होल आपका अपहिल जाएगा, अगर हिल के रेस्पेक्ट में बोले तो हिल क्या है, ये आपका है ई सी ई वी और ये आपका नॉर्मल लेवल है और ये आपका क्यू इंटू वी फाइव बोल सकते हैं। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे होल आपका अपहिल जाएगा और हाई टू लो पोटेंशियल पे जाएगा, ये होल के लिए है। तो डाउन यहाँ पे क्या कह रहा है कि डाउन हिल मूवमेंट ऑफ होल इज़ डिफिकल्ट, और होल का डाउन हिल मूवमेंट नहीं हो सकता है और इलेक्ट्रॉन का अपहिल नहीं हो सकता, इलेक्ट्रॉन का अपहिल नहीं हो सकता, होल का डाउन हिल मूवमेंट नहीं हो सकता, तो ये याद रखेंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे फिर से वही आपका ये पीएन जंक्शन है, ये आपका एक्स इक्वल टू जीरो मीन्स मेटलर्जिकल पॉइंट है, मेटलर्जिकल जंक्शन है इस जगह, और ये आपका क्या है, हमने कनेक्शन बनाया हुआ है, मतलब ये क्या दिखा रहा है कि इसको कनेक्ट किया हुआ है अभी, ओके, तो थर्मल इक्विलिब्रियम इसको कनेक्ट किया है, पर यहाँ पे नो अप्लाइड वोल्टेज, कोई वोल्टेज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई भी बायसिंग नहीं है, तो ये आपका बेसिक वाला केस हो गया जब आपने कोई भी बायसिंग नहीं करी है, जीरो अप्लाइड वोल्टेज। उस केस में हमारा क्या होगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने ये तो पीएन जंक्शन ऊपर बनाया है, ये आपका माइनस एक्सपी पॉइंट है, ये एक्सएन है, एक्चुअल में जंक्शन आपका इसी के बीच में होगा, ओके, और इसके इधर इधर क्या, ये क्या होगा, न्यूट्रल पार्ट होगा ये। जब न्यूट्रल होगा तो यहाँ पे कोई भी बैंड बैंडिंग नहीं होगी, तो आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी कोई भी बैंड बैंडिंग नहीं हो रही है। और ये आपको पता ही है कि ई एफ जो होता है हमको उसको अलाइन भी करना पड़ता है, पर उसका अलाइनमेंट कब तक होता है, ई एफ का अलाइनमेंट तब तक होता है जब तक हम कोई एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज नहीं लगा रहे हो, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज कोई और बाहर से नहीं आ रहा है, ठीक है, जीरो है तो आपका अलाइनमेंट होना ही होना चाहिए। तो उसको अलाइनमेंट के लिए इधर ये ई एफ पी है, इसको हमने ऐसे बनाया, इसको सीधे ले गए और इसको इसके ई एफ एन के संग अलाइन कर दिया। अब जब इसको अलाइन कर दिया, अब आपको पता है कि ये तो एन साइड है, एन वाली साइड में क्या होता है कि ई सी और ई एफ पास पास होते हैं, ये देखो ई सी ई एफ के बीच का डिफरेंस कम है, और ये पी साइड है, पी साइड में आपको पता है ई सी और ई एफ के बीच में काफ़ी बड़ा डिफरेंस होता है।
तो इस वजह से क्या हुआ कि ये आपका इस तरीके से बैंड बैंड हो गया, ईसीपी ऊपर रह गया तो ये आपका ऐसे बैंड बैंड हो गया, फिर ये इधर सीधा चला गया। तो ये बात यहाँ पे, ये तो हम पुराना जो हमारा लॉजिक है वही हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल। तो अब यहाँ पे अलग से क्या चीज़ आई है उसको समझते हैं कि जो एन साइड में क्या है, आपके बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत सारे, ओके। और जो एनर्जी का पोटेंशियल का डिफरेंस है वो कितना है, क्यू इंटू फाइव बी आई है ये बिल्ट इन पोटेंशियल। तो ये जो पूरी हाइट है, मतलब कितना बैंड बैंड हुआ एक्चुअल में, ये जो ये इस जगह है और ये इस जगह है, इसका इसी इधर है और इस वाले का इसी इधर है, इन दोनों के बीच में एक्चुअल में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस ही आपका क्या बताता है, ये एक्चुअल में इतना ही डिफरेंस है, ये पूरा इतना डिफरेंस। तो यही फाइव क्यू इंटू फाइव बी आई ये डिफरेंस है। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एज मेजोरिटी कैरियर्स इन द एन साइड। अब यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे कुछ अलग तरीके का आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तो वो समझना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, ठीक है। एक तो मेजोरिटी कैरियर शब्द आएगा जो कि कॉमन है, फिर माइनॉरिटी कैरियर भी आएगा, फिर आउट ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा या फिर अंडर इक्विलिब्रियम आएगा, इस तरीके से। फिर मेजोरिटी कैरियर इन एन साइड, मेजोरिटी कैरियर इन पी साइड, देखो इसके दो दो सब केस हो गए, मेजोरिटी कैरियर एन साइड का और मेजोरिटी कैरियर पी साइड का, माइनॉरिटी कैरियर एन साइड का और माइनॉरिटी कैरियर पी साइड का, फिर इनके भी दो केस हो गए, ऐसे ही इसके भी दो केस हो गए, यही ठीक है, ये दो केस हो गए कि आपका आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, मतलब जहाँ इक्विलिब्रियम नहीं है, तो एक तो आपका आउट ऑफ इक्विलिब्रियम केस हो गया और ऐसे ही इसमें भी आउट ऑफ इक्विलिब्रियम, और एक केस आपका हो गया अंडर इक्विलिब्रियम, ठीक है, अंडर इक्विलिब्रियम, और ऐसे यहाँ पे। तो इतने सारे केसेस बनेंगे और उनकी नेमिंग करनी पड़ेगी, उनको समझना पड़ेगा, तो इस हिसाब से इसको उस दिमाग में रखते हुए ही समझेंगे इस लेवल को, ओके। तो इतने कैटेगरीज में इनको अभी बांटेंगे आगे, ओके। तो ये चीज़ यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत सारे, क्योंकि ये एन साइड है, इसको मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ, ये एन साइड है और ये आपका पी साइड है, तो एन साइड में बहुत सारे मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होता है, तो मेजोरिटी कैरियर क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल एज मेजोरिटी कैरियर्स एट द एन साइड। तो ये केवल इसको डिनोट कर रहा है। अब और क्या कह रहा है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइव बी आई एंड आर नॉट एबल टू मूव अपहिल टू क्रॉस द जंक्शन। और यहाँ पे वही बात बोली जा रही है जो हमने ऊपर डिस्कस भी करी थी कि इलेक्ट्रॉन अपहिल नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते, इस बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से नहीं जा सकते, जो फाइव बी आई आपका जनरेट हुआ है इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपहिल मूव नहीं कर सकते। देखो इलेक्ट्रॉन को ये बैंड बैंडिंग से भी शो हो रहा है कि ये अपहिल मूवमेंट करना पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर जाना है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मौजूद है, ये बीच में जंक्शन है, ये पूरा क्या है जंक्शन, ये पूरा ऐसे, तो ये है, इसके बीच से इधर जाना है इलेक्ट्रॉन को, तो वो नहीं जा सकते क्योंकि अपहिल मूवमेंट करना पड़ेगा जो वो कर नहीं सकता है। सिमिलरली अगर बात करें तो ये तो इलेक्ट्रॉन की बात हुई एन साइड में, ओके। दूसरी बात करते हैं होल्स की, ये होल्स हैं, तो होल्स आर अवेलेबल एज मेजोरिटी कैरियर्स एट द पी साइड, तो बहुत कॉमन सी बात है। यहाँ पे कितना डिफरेंस है ई वी एन और ई वी पी में, ये ई वी पी है, सॉरी गलती से लिख गया, तो ई वी एन ई पी पी में डिफरेंस सेम वही है, क्यू इंटू फाइव बी आई जो वहाँ पे था सेम, ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ओके। तो यहाँ पे होल्स है और होल डाउन हिल नहीं जा सकते, होल्स को यहाँ से इधर जाना है तो मतलब बैरियर को क्रॉस करना है तो उसको डाउन हिल जाना पड़ेगा, तो होल्स डाउन हिल नहीं जा सकते। तो यहाँ पे भी सेम वही चीज़ है कि दीज होल्स एक्सपीरियंस अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ फाइव बी आई एंड आर नॉट एबल टू मूव डाउन हिल टू क्रॉस द जंक्शन। तो जो चीज़ वहाँ पे डिस्कस करी थी वही यहाँ पे, कि होल आपका डाउन हिल नहीं जा सकते और इलेक्ट्रॉन आपका अपहिल नहीं जा सकते। और ये डिस्कस कैसे करिए, इसी बैंड बैंडिंग डायग्राम को देखते हुए डिस्कस किया है हमने। ये आपका बैंड ऐसे बैंड हो रहा है, ये नीचे भी ऐसे बैंड हो रहा है, ये बैंड बैंड हो रहा है, तो बैंड बैंड हो रहा है, इधर आपको अपहिल मूवमेंट दिखाना पड़ेगा, इधर डाउनहिल, और वो दोनों नहीं कर सकते, इलेक्ट्रॉन अपहिल नहीं कर सकता और होल डाउनहिल नहीं कर सकता। फिर क्या बोला है, देयरफॉर मेजोरिटी कैरियर मूवमेंट थ्रू द जंक्शन इज जीरो, तो मूवमेंट आपका जीरो है किनका, मेजोरिटी कैरियर का। क्यों, क्योंकि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन को जाना है इधर, तो उसको अपहिल जाना पड़ेगा जो वो नहीं जा सकता है, इधर से होल को जाना पड़ा इधर तो वो नहीं जा सकता क्योंकि उसको डाउनहिल जाना पड़ेगा, एंड हैंस नो करंट फ्लो इन दिस केस। तो इस केस में ये कौन सा केस है, नो बाइस केस है, तो जब आपने कोई बाइसिंग नहीं करी है तो वहाँ पे कोई भी करंट इस वजह से फ्लो नहीं करती। तो ये पूरा डिटेल में है कि क्यों करंट हमारा फ्लो नहीं कर पा रही है, ओके, हमने जब कोई बाइसिंग नहीं करी है। नेक्स्ट केस समझते हैं, अब यहाँ पे हमने केस नंबर टू लेते हैं, ये आपका रिवर्स बाइस का केस है, जो एक्चुअल में हमने हेडिंग में देखा था अंडर रिवर्स बाइस, ओके। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब बायसिंग देखा था, तो एक तो नो बायस हो गया, एक अब रिवर्स बायस आएगा, ये दो पेज आपका नो बायस में पूरे हो गए। रिवर्स बायस में हमने क्या किया, सेम सारी चीज़ वही है, ये आपने पोटेंशियल लगाया, तो
तो नेगेटिव साइड को आपने पी साइड से जोड़ा और पॉजिटिव साइड को आपने एन साइड से जोड़ा, तो ये आपने क्या कर दिया, रिवर्स बायसिंग कर दी। अब रिवर्स बायसिंग केस में क्या होगा वो समझते हैं। रिवर्स बायसिंग केस में क्या होगा कि यहाँ पे नो अलाइनमेंट, आपका अलाइनमेंट की जब भी आप अलग से बायसिंग करेंगे ना तो वहाँ पे आपका अलाइनमेंट नहीं होगा, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे EFN क्या है, ये EFN और ये EFP और EFP में थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस क्यों है, वो इस VR की वजह से, जो आपने एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज लगाया है तो वो जो डिफरेंस है ये आपको शो हो रहा है यहाँ पे, ये छोटा सा डिफरेंस जो है इनके बीच में, ये देखो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो ये डिफरेंस ही क्यू इंटू वी आर है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्यू इंटू वी के इक्वल होता है, ये याद रखेंगे तो पता ही है। खैर तो एक्चुअल में जो पूरा डिफरेंस आएगा, पूरा जो बैंड होगा, कितनी ड्यूरेशन के लिए बैंड होगा, ये तो ये वाली जो हाइट है, ये वाली, तो ये हाइट क्या हो गई, क्यू इंटू वी टोटल। मतलब एक्चुअल में पहले भी क्यू इंटू वी टोटल ही होता था, बट वहाँ पर क्योंकि वी आर जीरो होता था तो वो क्यू इंटू वी टोटल ही क्यू इंटू फाइव बी आई हो जाता था, बट यहाँ पे वी आर जीरो नहीं है, तो जब वी आर जीरो नहीं है तो ये क्यू इंटू फाइव बी आई और प्लस क्यू इंटू वी आर, तो इन दोनों की सम के इक्वल हो गया। तो एक तो ये क्यू इंटू वी आर आपका और एक्स्ट्रा हो रहा है, और क्यू इंटू फाइव बी आई आपका ये है, ये फाइव बी आई है, क्यू इंटू फाइव बी आई, तो ये छोटा सा फाइव बी आई है, ये वी आर है, इनको जोड़ देंगे तो इतना ही आपका बैंड हट रहा है, ठीक है, बैंड हो रहा है। एक्चुअल में हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम इस हाइट को निकालना चाह रहे हैं, ये जो मैंने मार्क करी यहाँ पे, इस हाइट को निकालना चाह रहे थे हम, तो इतना आपका बैंड हो रहा है। उसके बाद तो ये चीज़ हो गई, अब बात करते हैं क्यू इंटू वी टोटल की। ओके, तो क्यू इंटू वी टोटल, तो क्यू इसके किसके इक्वल हो गया, क्यू इंटू फाइव पी प्लस क्यू इंटू फाइव एन प्लस क्यू इंटू वी आर, तो ये तो एक्चुअल में था ही ऊपर, इसको तो हम यहीं से लाए हैं। अब क्यू इंटू फाइव बी आई जो है वो दो के इक्वल है, तो एक्चुअल में ये 5bi नहीं है, ये 5p है और ये 5n है, ये थोड़ा सा केवल p है और ये 5n है, तो ये जो बहुत छोटा सा जो डिफरेंस है किसके बीच में, EFN और आपका किसके इसके बीच में, ये EVP है और आपका ECN, ये किस किसके बीच में समझ लेते हैं, ECN और EFP के बीच में एक, और आपका EFN और EVP के बीच में ये दो, ठीक है, इनको अगर हाईलाइट करें तो ये EFN है, ये EVP है, एक तो ये केस हो गया, दूसरा ECN है और EFP है, तो इनके बीच में जो छोटा छोटा सा डिफरेंस है, बहुत छोटा सा, जैसे यहाँ पे ये है ये और यहाँ पे ये है, तो ये हमें दे रहा है क्या, Q इंटू फाइव पी और Q इंटू फाइव एन, जो हम पहले भी देख चुके हैं, एक्चुअल में ये दोनों को जोड़ के ही आपको Q इंटू फाइव बी आई मिलता है, तो ये सब चीज़ हम डिटेल में पहले देख चुके हैं, बट बस हमने क्या नहीं देखा था, वहाँ पे हमने इन इलेक्ट्रॉन्स को रख के नहीं देखा था, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके रखे हुए हैं यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स रखे हुए हैं बहुत सारे, कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बहुत मौजूद होते हैं ECN, ठीक है, एक्चुअल में क्या है आपको पता है कि ECN के ऊपर क्या है, पूरा कंडक्शन बैंड है एक्चुअल में। EC क्या होता है, कंडक्शन बैंड का लोअर मोस्ट लेवल होता है, तो जब ये कंडक्शन बैंड है तो इस जगह तो ऑलरेडी बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, और इनको अगर इधर बैरियर को क्रॉस करना है तो इनको अभिल जाना पड़ेगा, जो ये नहीं जा सकते हैं। सिमिलरली ये EVP है अगर, तो इसके जस्ट नीचे क्या होगा, ये पूरा वैलेंस बैंड होगा और ये क्या है, कंडक्शन बैंड है, तो वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल हैं और होल को बैरियर को क्रॉस करना है तो उनको इधर से डाउनहिल जाना होगा, जो वो नहीं जा सकते हैं, तो ये बात ही हम यहाँ पे कर रहे हैं कि ये अपहिल नहीं जा सकते, ये डाउनहिल नहीं जा सकते, ये एक्स्ट्रा चीज़ हम बात कर रहे हैं, बाकी तो बैंड बैंडिंग डायग्राम हमने पहले देखा ही है। तो ये क्यू वी टोटल एक्चुअल में क्यू इंटू फाइव बी आई और वी आर इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पे और कुछ समझते हैं कि टोटल पोटेंशियल बैरियर इज नाउ लार्जर देन दैट फॉर द जीरो बायस केस, तो जीरो बायस केस से अब हमारा ज़्यादा है, क्यों, बहुत ही ऑब्वियस ही बात है, हमारा ये एक्स्ट्रा वी आर आ गया है। दूसरी चीज़, द इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर कंटिन्यूज टू होल्ड बैक इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, जो बढ़ा हुआ पोटेंशियल बैरियर है हमारा, पोटेंशियल बैरियर इंक्रीज वाला, तो वो होल्ड बैक करेगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स को बार बार, सो दैट देर इज स्टिल नो चेंज नो चार्ज फ्लो एंड हेंस करंट थ्रू द जंक्शन इज जीरो, तो ये होल्ड बैक करेगा, मतलब ये इसको कंपेयर कर रहा है किसको, रिवर्स बायस को विद द फॉरवर्ड बायस केस, तो वो अभी भी कह रहा है कि रिवर्स बायस में अभी भी जो इंक्रीज पोटेंशियल बैरियर है वो उसको होल्ड बैक करेगा, ना कि जाने देगा, ओके, होल्ड बैक करेगा। और ये सबको पता ही है कि रिवर्स बायस में जो आपका जो ये होता है, जैसे पीएन जंक्शन है ये आपका, तो इसमें जो ये बीच में होता है बैरियर आपका, ये बढ़ जाता है ना कि कम हो जाता है, ये विद इसकी इंक्रीज हो गई, तो इंक्रीज हो गई तो फिर इलेक्ट्रॉन को इधर से इधर नहीं जाने देगा, और ऑब्वियसली बात है होल को इधर से इधर नहीं जाने देगा,
तो यही चीज़ यहाँ पे बताना चाह रहा है कि रिवर्स बायस के केस में वो होल्ड बैक करता है चार्जेस को, तो स्टिल कह रहा है कि स्टिल नो चार्ज फ्लो और करंट फ्लो एंड हेंस करंट थ्रू द जंक्शन इज जीरो। तो इसकी वजह से ना तो कोई चार्ज फ्लो होगा ना कोई करंट फ्लो होगा। तो अभी केवल हमने नो बायस और रिवर्स बायस के केस देखे हैं जहाँ दोनों केस में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही। नेक्स्ट हम देखने जा रहे हैं केस नंबर 3 आपका, ये फॉरवर्ड बायस का केस है। ओके, फॉरवर्ड बायस के केस में आपका करंट फ्लो होगी, तो ये समझने वाली बात है। फॉरवर्ड बायस पीएस जंक्शन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हमने कैसे केवल पोलरिटी को बदल दिया, पी साइड से जोड़ दिया पॉजिटिव को और नेगेटिव को एन साइड से जोड़ दिया। अब क्योंकि इसको एन साइड से जोड़ा है तो यहाँ का पोटेंशियल जीरो है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होगी। तो ये पहली वही बात है जो हम पहले देखते आ रहे हैं, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस क्यू इंटू वी एन हो जाएगी। ओके, इसको पॉजिटिव साइड से जोड़ा है बट माइनस क्यू इंटू वी एन इसको हमने ले रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी को। ओके, वोल्टेज को हम इस जगह पे माइनस वी एन मान रहे हैं फिलहाल। तो वैसे तो वोल्टेज इन्होंने यहाँ पे वी ए लिखा है, हम रिवर्स बायस में वी आर मान रहे थे, उसको वी आर बोल सकते हैं, मतलब वो मिलता जुलता था किससे, रेफरेंस वोल्टेज से या फिर रिवर्स वोल्टेज से, तो वो एक्चुअल में रिवर्स वोल्टेज था, बट यहाँ पे जो हम वोल्टेज लिख रहे हैं उसको वी ए लिख रहे हैं, तो ये वी ए है इसे याद रखेंगे। बाकी फिर वही सारी चीज़ें आउट ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में तो है नहीं, और यहाँ पे फिर वही चीज़ रिवाइज होकर लिखी है कि ई आई जो है और ई आई भी हो साथ में ई एफ भी, तो ये दोनों अलाइन यहाँ पे नहीं होंगे, नॉट अलाइन एनी मोर। और ये सेम केस आपका रिवर्स बायस में भी है एंड फॉरवर्ड बायस में भी है कि अब ये अलाइन नहीं होंगी आपकी, और बाकी सब सेम वही चीज़ें हैं। ये हमने बनाया है, ये आपका क्या होगा माइनस एक्स पी होगा, ये क्या होगा ये प्लस एक्स एन होगा पॉइंट, ये एक्स इक्वल टू जीरो है और यहाँ पे आपका ई मैक्स मिलेगा आपको। ये सब रिपीटेड वाले चीज़ें हैं जो पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद ये यहाँ से बैंड बैंड हो जाएगा, ठीक है, जहाँ से जंक्शन शुरू होता है वहाँ से बैंड बैंड हो जाएगा, तो ये आपको पूरा बैंड यहाँ पे बैंड होता है वो दिख रहा है। अब कितना होगा तो वो क्यू इंटू वी टोटल होगा, बट यहाँ पे क्यू इंटू फाइव बी आई प्लस वी आर नहीं होगा, यहाँ पे माइनस वी ए होगा। एक्चुअल में क्या है ना कि अब हमें कम, मतलब ये जो जंक्शन है इसको खींच के अंदर लाना है, ठीक है, ये जो आपका डिप्लीशन रीजन जो बन रहा है ये पीएन जंक्शन में डिप्लीशन रीजन बन रहा है, तो इसको खींच के अंदर लाना है, इसको इसके विद को कम करना है। और ये कम कैसे होगा, जब इसके अंदर का जो क्यू इंटू वी टोटल ये ओवरऑल वैल्यू कम हो जाए, तो यहाँ लॉजिक है कि अगर आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपको क्यू इंटू वी टोटल को कम करना पड़ेगा। तो ये क्यू इंटू फाइव बी आई तो वैल्यू है ही, मान लो ये 10 वोल्ट है, तो इसमें और इससे घटा दो 10 से और कम आ जाए, तो माइनस वी ए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इस वजह से ये क्या लिखा है माइनस वी एन, ये इसको वी ए मान लो, तो माइनस क्यू इंटू वी ए होगा, तो ये माइनस क्यू है, ये समझते समझ में आया। उसके बाद क्या है कि ये आपका क्यू वी टोटल ये तो पता ही चल गया, तो ये जो हाइट है ना ये वाली, ये जो ब्लू से मार्क करी है, ये एक्चुअल में हाइट आपकी, जैसे इसको मैं हाइट बोल देता हूँ, ये किसकी है फॉरवर्ड बायस की, ये हाइट आपकी एक्चुअल में कम है किससे, हाइट ऑफ फॉरवर्ड बायस एक्चुअल में आपकी हाइट ऑफ नो बायस से कम है, और सबसे ज़्यादा आपको हाइट कहाँ देखने को मिलती है, हाइट ऑफ रिवर्स बायस। ओके, ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है ऐसा क्यों है, यहाँ पे नो बायस में हम केवल 5 बी आई लेते हैं, क्यू इंटू 5 बी आई, यहाँ पे क्यू इंटू 5 बी आई प्लस क्यू इंटू वी आर ले लेते हैं, और यहाँ पे क्यू इंटू 5 बी आई और माइनस हो जाता है क्यू इंटू वी ए। तो इन वजह से अलग अलग ये वैल्यूज है, देखो यहाँ एक वैल्यू मान लो ये 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे 10 और कुछ मान लो वी आर कुछ भी हो 2 वोल्ट, तो 12 वोल्ट हो जाएगी, और यहाँ पे वही 10 माइनस तो 8 वोल्ट हो जाएगी। तो इस वजह से इनके वोल्टेज की वैल्यू अलग अलग होने की वजह से इनकी हाइट में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं, हाइट में बोले तो या फिर विद बोले, जंक्शन के डिप्लीशन रीजन की विद आपको कम देखने को मिलेगी फॉरवर्ड वाइज केस में। तो ये तो एक मोटा मोटा सा एक्सप्लेनेशन हो गया, तो ये तो विद की बात हो गई आपकी। अब इसको छोड़ते हैं, इससे हमें मतलब नहीं है, मतलब है कहाँ क्या चीज़ लोकेट हो रही है। तो एक्चुअल में ये भी आपका क्यू इंटू वी टोटल के इक्वल ही है, ये आपका इसमें ये q इंटू वी ये आ गया, और यहाँ पे क्योंकि ये ज़्यादा बड़ा है q इंटू फाइव पी ये है और q इंटू फाइव एन ये है, तो इसमें क्या करेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे और उससे q इंटू वी ए को घटा देंगे, तो आपको ये q इंटू वी टोटल मिलेगा एक्चुअल में। ओके, तो यहाँ पे देखो यही चीज़ हमने करी है कि q इंटू वी टोटल क्या है q फाइव पी प्लस, और यहाँ पे एक चीज़ हमने रेफरेंस के तौर पे अलग से ली है, वो क्या है, यहाँ पे हमने इसको और माना है, ये जो छोटा सा हिस्सा है ये, तो इसको q इंटू वी एक्स माना है। तो पहले तो आप एक बार क्या करो q फाइव पी प्लस q वी एक्स करो, तो वो आपका आएगा q वी टोटल इज क्या आ गया आपका q फाइव पी प्लस q वी एक्स। केवल एक तरफ देखो, इसी तरीके से ये q फाइव एन और माइनस q वी ए के इक्वल है,
ये कैसे निकालेंगे, क्यू वी एक्स का निकालेंगे, मतलब क्यू वी एक्स को निकाल के और यहाँ पे रख देंगे। तो यही चीज़ यहाँ पे देखो, पहले एक तरफ देखो केवल, पहले देखो यहाँ पे ये क्यू फाई पी है, ये क्यू वी एक्स है, इन दोनों को जोड़ दोगे तो वो ये क्यू वी टोटल के इक्वल आ जाएगा जब इन दोनों को जोड़ दोगे। और समझो, अब ये पूरा क्यू फाई, इसको दूसरे से लेते हैं, ये पूरा क्यू फाई एन है, ये क्यू फाई एन है, इससे ये छोटा हिस्सा जब आप घटाओगे, मतलब ये एक्चुअल में पूरा इतना है, इससे ये छोटा हिस्सा जब घटाओगे तो वो क्यू इंटू वी ए दे देगा। तो ये दो इक्वेशन बनी कि इस क्यू इंटू फाई एन से, ये जो क्यू इंटू फाई एन सर्किल में है, इससे जब आप ये छोटा सा क्यू इंटू वी एक्स घटाओगे तो वो आपको क्यू इंटू वी ए देगा, और इधर जब दोनों को जोड़ दोगे क्यू फाई पी और क्यू वी एक्स को, तो वो आपको क्यू इंटू वी टोटल देगा। तो एक्चुअल में यहाँ पे यही चीज़ हो रही है, क्या हो रही है कि जब क्यू फाई पी और क्यू वी एक्स को जोड़ दोगे तो आपको क्यू इंटू वी टोटल मिला। और जब अगर इसको हमें निकालना है, इसको इसी के उससे लेते हैं, ये क्यू इंटू वी एक्स निकालना है, तो वो आपका क्यू फाई एन और माइनस क्यू इंटू वी ए। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्यू फाई पी प्लस क्यू फाई एन माइनस क्यू वी ए। देखो ये क्यू फाई पी प्लस क्यू फाई एन माइनस क्यू वी ए, अब फाई पी प्लस फाई एन आपका फाई बी आई हो जाता है। तो वी टोटल इस फॉर्मूले से यहाँ पे क्या निकला आपका, वी टोटल इज क्यू सॉरी फाई बी आई और माइनस वी ए, तो ये निकला यहाँ पे माइनस वी ए होता है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें समझते हैं बेसिक, या उसके पहले थोड़ा सा देख लेते हैं फिर इन चीज़ को देखेंगे। तो इसके पहले यहाँ पे क्या है कि ई बिल्ट इन आपकी कैसी है, पहले इस पे ध्यान देंगे जो ये लिखा हुआ है पहले से। तो ई बिल्ट इन की डायरेक्शन कुछ इस तरफ है आपकी, ओके, और ई अप्लाइड की डायरेक्शन इस तरफ है। तो रिवर्स वाइज में दोनों की डायरेक्शन एक जैसी होती हैं, बट क्योंकि वहाँ पे प्लस भी हो रहा होता है, वहाँ फाइव बी आई और आपका वी आर प्लस हो रहा होता है, अब यहाँ तो फाइव बी आई और आपका वी ए माइनस होगा, तो यहाँ पे डायरेक्शन हल हो जाएंगी। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूसेस अक्रॉस द जंक्शन, ये रीज़न है, इस वजह से यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी कम हो जाती है। और पहले ही जो लिखा है पेन से, इसी को ध्यान से देखते हैं। तो जब हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा तो इसी वजह से हमारा क्या बोल रहे हैं कि हैंड डिप्लीशन रीजन विद भी घटेगी, शुड रिड्यूस ऑन एप्लीकेशन ऑफ फॉरवर्ड बायस इन ऑर्डर टू अकोमोडेट डिक्रीज इन द नेट फील्ड थ्रू द जंक्शन। तो जो नेट फील्ड हमारी घट रही है, इसी को अकोमोडेट करने के लिए, ठीक है, बैलेंस करने के लिए हमारी जो विद होगी डिप्लीशन रीजन की, वो भी घट जाएगी। तो ये तो बेसिक सा आप सबको पता है कि जब फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं तो डिप्लीशन रीजन की विद घट जाती है, वो घट जाती है तो हमारे चार्ज पास कर सकते हैं, ओके, और हमारा फॉरवर्ड बायस में वो ऑन स्विच की तरह काम करने लगता है। बट ऐसा होता क्यों है, इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे जो ई बिल्ट इन है और ई अप्लाइड है, दोनों की जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है, अपोजिट है। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो घट गई, और उसके घटने की वजह से विद भी हमारी घट गई। और क्या है कि अगर हमारा वी ए किसके इक्वल है, फाइव बी आई के इक्वल है, जो बिल्ट इन पोटेंशियल है, और उसी को हम वी गामा भी बोल देते हैं, जो कट इन वोल्टेज होता है हमारा, जो कट इन वोल्टेज होता है ना डायोड में 0.7, तो वो यही होता है। तो वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पी एन जंक्शन टू ओवरकम बिल्ट इन पोटेंशियल बैरियर, मतलब इस पॉइंट पे ऐसा क्या होगा ना, अगर आप वी ए को फाइव बी आई के जस्ट इक्वल लग दो तो वी टोटल आपको क्या मिलेगा, फाइव बी आई और माइनस फाइव बी आई, ओके, दोनों ही आपके फाइव बी आई हो गए, आपको उस समय वी टोटल जीरो मिलेगा। तो एकदम ये बैलेंस कंडीशन मिलेगी, तो उसी कंडीशन को हम कटिंग वोल्टेज बोलते हैं, कि जस्ट वहाँ से आपका फ्लो स्टार्ट हो जाएगा चार्जेस का, ओके, तो ये चीज़ हो गई, जस्ट वहाँ से आपका चार्जेस का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस द जंक्शन, इधर से इधर या इधर से इधर, तो वो हमारा कटिंग वोल्टेज होता है। ये एक अलग से पॉइंट आया। अगर ये तो हमने इक्वल केस की बात करी कि हमारा जो वी ए है वो जस्ट फाइव बी आई के इक्वल है, या फिर उसको वी गामा के इक्वल बोल दिया, अगर वो उससे बड़ा हो गया, अगर वी ए वी गामा से बड़ा हो गया, ओके, और वी ए फाइव बी आई से बड़ा हो गया, दोनों एक ही बात है, मतलब वी गामा तो उसको हमने नाम दिया है और वो फाइव बी आई से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो फ्लो है चार्ज कैरियर्स का, वो हमारा स्टार्ट हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं हुआ करता था, बट अब ऐसा हो सकता है। इलेक्ट्रॉन जो हमारे हैं यहाँ से, ये डाउनहिल हमारे जाएंगे, ओके, मतलब ये तो डाउनहिल जाते ही हैं, तो ये डाउनहिल हमारा, ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया इलेक्ट्रॉन्स का, ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है ECN से ECP में, और यहाँ EVP पे जो हमारे होल है, वो होल हमारा अपहिल जाना शुरू कर दिया। देखो ये होल हमारा अपहिल जाना शुरू कर दिया। अब यहाँ पे एक एक वर्ड जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना। ये आपके क्या है, एन साइड है ये पूरा, और ये क्या है, पी साइड है, ये तो पता ही है आपको। ये आपका क्या है, मेजोरिटी चार्ज कैरियर है, या फिर इलेक्ट्रॉन है, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे एन साइड में। ऐसे ही यहाँ पे नीचे ये क्या है आपका, मेजोरिटी चार्ज कैरियर या होल, मतलब कैरियर मेजोरिटी कैरियर है मतलब होल्स, तो ये पी साइड में है और वो हमारे एन साइड में हो गए। उसके बाद और क्या बात हो रही है,
ये क्या है हमारे जो इस जगह पे ECP में मौजूद हैं, तो ये हमारा है तो पूरा पी साइड और इधर ये एन साइड है, बट पी साइड में अगर इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, और मौजूद होंगे तो कहाँ मौजूद होंगे, कंडक्शन बैंड में, ये कंडक्शन बैंड है, तो वो क्या होते हैं, वो इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं पी रीजन में। तो इनको दो तरीके से बोला जाता है, एक तो ये माइनॉरिटी कैरियर है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा पी साइड में माइनॉरिटी ही होगा और होल हमेशा एन साइड में माइनॉरिटी होगा, तो इनको माइनॉरिटी कैरियर तो बोलेंगे ही, और इसके साथ में इंजेक्टेड भी बोलेंगे क्योंकि हमने अलग से इंजेक्ट किए हैं। इंजेक्ट कैसे किए हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज को अप्लाई करके, मतलब हमने इनको एन साइड से उठवा के पी साइड में भेजा है। ये बहुत बेसिक सी भाषा हिंदी भाषा में है कि ये इनको इंजेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनको इंजेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनको हमने एन साइड से उठा के पी साइड में भेजा है, तो इसलिए इनको इंजेक्टेड बोल रहे हैं। इसी तरीके से पी साइड से उठ के कुछ होल जो एन साइड में जा रहे हैं तो उनको क्या नाम देंगे, माइनॉरिटी कैरियर होल्स इन एन रीजन। ये तो बेसिक का पॉइंट हो गया, बट उसी के साथ उसको हम क्या बोलेंगे, इंजेक्टेड भी बोलेंगे। तो इंजेक्टेड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये होल्स को हमने पी साइड से उठा के एन साइड में भेजा है एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करके। तो जब हमने, और ये कब हुआ, जब हमारा वी ए जो वी गामा से, ये जो वी ए वो वी गामा से बड़ा हो गया, ठीक है। आप जस्ट इक्वल करोगे तो बिल्कुल जस्ट फ्लो स्टार्ट होगा, बट फ्लो कर नहीं पाएंगे या एक आध फ्लो कर जाएगा, उसको ज़्यादा करोगे वैल्यू को तब हमारा एक प्रॉपर फ्लो मेंटेन होगा। तो यहाँ पे कितने वर्ड सीखे, मेजोरिटी माइनॉरिटी कैरियर और इंजेक्टेड, ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं वो समझ में आया। ओके, फिर हमारा कंसीडर द कंडक्शन बैंड एनर्जी अंडर द इक्विलिब्रियम। तो कंडीशन इसको मानते हैं कि कंडक्शन बैंड के एनर्जी को देखते हैं अंडर द इक्विलिब्रियम क्या है। तो ये केवल हमने क्या बनाया, कंडक्शन बैंड ही बनाया है। ये आपका ECN है, ये आपका ECP है, ये ओके, ये एन साइड है, ये पी साइड है, और ये बैंड हो जा रहा है यहाँ पे, इतना ये बैंड हो गया बीच में। तो अभी केवल इसको कंसीडर कर रहे हैं, बस इसको देखने से पहले क्या कर लेते हैं यहाँ से, तो फिर हमारा न्यूमेरिकल और डेरिवेशन शुरू हो जाएगा न्यूमेरिकल पार्ट। बट पहले ये जो हमने इधर छोड़ दिया था, ये जो ऐसे लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। ओके, बाकी पूरा समझ चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है कि द फ्लो ऑफ मेजोरिटी कैरियर अक्रॉस द जंक्शन जनरेट्स करंट इन द जंक्शन। तो जब आपका मेजोरिटी कैरियर फ्लो करेंगे जंक्शन के क्रॉस, वो क्यों फ्लो कर रहे थे, वो जब फ्लो किए तभी आपको इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर मिले। ये हमने भी देखा है ना कि इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर कहाँ मिले, कैसे मिले, जब मेजोरिटी कैरियर फ्लो किए, वो फ्लो कब किए, जब वी ए हमारा वी गामा से बड़ा हुआ, तो ये फ्लो करेंगे तो इनकी वजह से एक करंट जनरेट होगी। ये पहला पॉइंट है। दूसरा, द इंजेक्शन ऑफ होल्स इन टू द एन रीजन मीन्स दैट दीज होल्स आर माइनॉरिटी कैरियर एट एन साइड। तो इसका क्या मतलब होता है, जो हमने होल इंजेक्ट कराए हैं इसका मतलब है कि ये होल माइनॉरिटी कैरियर है एन साइड में। इसी तरीके से लाइकवाइज द इंजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पी रीजन मीन्स दैट दीज इलेक्ट्रॉन आर माइनॉरिटी कैरियर एट द पी साइड। तो पी रीजन में जो हमने इंजेक्ट कराए इलेक्ट्रॉन और एन रीजन में जो हमने इंजेक्ट कराए होल्स, इनका मतलब है कि ये अपनी अपनी साइड में माइनॉरिटी कैरियर का रोल अदा कर रहे हैं। उसके बाद, और यहाँ पे ये तो अलग हमने डिस्कस किया था कि 5bi प्लस vr ये रिवर्स बायस का केस है, और ये 5bi माइनस va ये आपका फॉरवर्ड बायस का केस है। फिर ये तो दो पॉइंट हो गए, अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है कि देयर विल बी डिफ्यूजन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन। यहाँ पे डिफ्यूजन भी होगा और रिकॉम्बिनेशन भी होगा ऑफ इंजेक्टेड एक्सेस कैरियर। तो इंजेक्टेड बोला इन्हें और क्या बोला है, एक्सेस कैरियर है, क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट में हो जा रहे हैं। एक्सेस में क्यों हो रहे हैं, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन हो पा रहा है। जैसे मानो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहे हैं, तो इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर वापस जाके रिकॉम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है। ये पी साइड है, इसमें वैलेंस बैंड में बहुत सारे होल हैं, तो ये रिकॉम्बिनेशन भी हो जाएगा इसमें। मतलब इंजेक्टेड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर के आने की वजह से कहाँ, पी साइड में या फिर एन साइड में। अब यहाँ पे बहुत सारे होल आ रहे हैं, तो फिर सेम चीज़ है कि यहाँ तो एक्सेस में मेजोरिटी कैरियर तो इलेक्ट्रॉन है ही। देखो बेसिक से समझो, ये एन साइड है, एन साइड में बहुत सारे एक्सेस में ये क्या है, मेजोरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन। अगर यहाँ पे होल अवेलेबल आप करा दोगे वैलेंस बैंड में, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे डाउन ट्रेवल करके रिकम्बाइन कर जाएंगे, तो आपका रिकॉम्बिनेशन भी होता है और डिफ्यूजन भी होता है, दोनों प्रोसेस यहाँ पे एक साथ होते हैं। तो ये चीज़ समझिए, एक तो आपने क्या किया कि इधर से इनको ट्रेवल करा के इधर ले गए, ठीक है, ये एन साइड से पी साइड में लाए इलेक्ट्रॉन को, और पी साइड से एन साइड में ले गए होल्स को। ये तो इसको बोला इंजेक्टेड माइनॉरिटी कैरियर, और इन्हीं इंजेक्टेड एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर की वजह से क्या हो जाएगा, बाद में रिकॉम्बिनेशन भी हो जाएगा। तो यही पॉइंट यहाँ पर डिस्कस किया है, इसको दोबारा से डिस्कस करते हैं। देयर विल बी डिफ्यूजन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन ऑफ इंजेक्टेड एक्सेस कैरियर्स इन दिस रीजन्स। द डिफ्यूजन ऑफ कैरियर इंप्लाइज दैट देयर विल बी अ डिफ्यूजन करंट। तो डिफ्यूजन कैरियर की डिफ्यूजन होने की वजह से हमें पता चलेगा कि वहाँ पर डिफ्यूजन करंट हमारा लाई करेगी। ओके,
तो ये चीज़ हमने पूरा एक एक पॉइंट डिस्कस किया है, यहाँ पे क्या डिफ्यूज़न हो रहा है, माइनॉरिटी कैरियर क्या है, इंजेक्टेड क्या है, एक्सेस क्यों बोला गया है, रिकॉम्बिनेशन कैसे हो रहा है, क्यों होगा, ये सारी चीज़ें डिटेल में, बाकी इसको पीछे करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा शुरू होगा, ये हमने देखा था कि यहाँ पे हम कंडक्शन बैंड की बात कर रहे हैं, कंसिडर द कंडक्शन बैंड एनर्जी अंदर द इक्विलिब्रियम। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे क्या है, ये ई सी एन है, ई सी एन के जस्ट ऊपर इलेक्ट्रॉन है बहुत सारे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है तो इनके अंदर कुछ एनर्जी होगी, और ये पूरा पूरा गैप अभी फाइव क्यू इंटू फाइव बी आई है हमारा। तो ये हम नॉर्मल केस की बात कर रहे हैं, मतलब अभी इन्होंने डिफाइन नहीं किया है कि ये किस, ये नो बाइस में है या रिवर्स बाइस में, तीन केस हो सकते हैं, नो बाइस, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस। तो ये किस वाले केस में लाई कर रहा है अभी इन्होंने यहाँ पर डिफाइन नहीं किया है। तो ये इस तरीके से है, तो ये इलेक्ट्रॉन को आपका या तो ऐसे अपहिल जाएंगे या डाउन हिल जाएंगे, अपहिल तो वो जाते नहीं है, डाउन हिल जाते हैं, तो वो सब देखेंगे आगे। यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 5bi मेंटेन्स द इक्विलिब्रियम बिटवीन द कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन इधर साइड ऑफ द जंक्शन। तो अगर आपका केवल 5bi है, मतलब ना तो उसमें vr प्लस हो रहा है, ये देखो मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम को। देखो तीन केस है, नो बाइस में 5bi, एक में 5bi प्लस vr, एक में 5bi माइनस vr माइनस va। तो ये तीन केस है, अगर आपका अलग से प्लस vr है या माइनस va नहीं है, इसका मतलब केवल 5bi है और वो इक्विलिब्रियम को मेंटेन करेगा। तो यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम मेंटेन हो रहा होगा इस केस में, ओके। और इधर साइड ऑफ द जंक्शन दोनों साइड में, तो 5bi किसके इक्वल है, kT by Q ln Na Nd upon Ni square, ओके। इसको kT by Q को हमने क्या लिख दिया, vt, vt को हम इसके नीचे ले गए, तो ये क्या बन गया, 5bi upon vt, ठीक है। ये पूरा क्या बन गया, 5bi upon vt, इधर ln, इस ln को इधर ले जाएंगे तो ये e रेस टू 5bi upon vt बन जाएगा। एक एक स्टेप समझना है, वो किसके इक्वल आ गया, Na Nd और upon Ni square। अब हम क्या करेंगे कि इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एन आई स्क्वायर अपॉन एन ए एन डी और ई रेस टू माइनस, क्योंकि इसको अपोजिट कर दिया रेसिप्रोकल, ई रेस टू माइनस फाइव बी आई अपॉन वी टी। ये कुछ ऐसा बन गया, ये आपकी इक्वेशन एक आई। अब इसको यूज़ करेंगे, अब यहाँ पे कुछ न्यू नोटेशन हमारे आए हैं तो उनको पहले समझना ज़रूरी है, और उसके आगे फिर हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे यहाँ से। तो इसको इस जस्ट यहीं इसी पॉइंट से देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसको हम बोल देंगे लेक्चर 22 पार्ट बी।